catch up and you'll go pick your glass up. मैं औरतों की तरह लाचार और बच्चों की तरह कमजोर हूं। बीच बीच में गुस्से से गरज उठता हूं, लेकिन ये बेमौसम बादल का गरजना, फिजूल का हाय हाय करना है। इस तरह मैं कुड़ कुड़ कर अपने आप भीतर ही भीतर घुलता जा रहा हूं। हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां की आज ये हालत, ये आवाज कैसी, ये फिर कौन जहां आ रहा है? आओ बेटी, ये कैसा शोरगुल है? सुना तुमने? क्या दारा अपनी फौजें तोपे साथ लिए फतेहयाब होकर आगरे लौट आया है? आओ बेटा, इस बेइंसाफी बेदर्दी और जुल्म का बदला लो। बेटी आंखें क्यों मूंद ली? समझा, ये दारा की फतेहयाबी की कोई खुश खबर नहीं, बल्कि एक और बुरी खबर है। ठीक कहा ना बेटी? जहां आ रहा, ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं अभी जिंदा हूं या मर गया? औरंगजेब और दिल्ली के तख्त पर? नहीं जहां आ रहा, नहीं। क्या आवाम ये नहीं कहती कि ये बड़ा भारी जुल्म है? क्या वो ये नहीं कहते कि अपने प्यारे रहम दिल गरीब परवर शाहजहां को किसकी मजाल कि कैद किए रहे? क्या वो चिल्ला कर ये नहीं कहते कि हम बगावत करेंगे, औरंगजेब को कैद करके आगरे के किले का फाटक तोड़कर अपने प्यारे शाहजहां को फिर से तख्त पर बिठाएंगे? क्या वो ये नहीं कहते? नहीं कहते? अगर आज दुनिया की यही हालत है तो एक बड़ी भारी बला उसकी रग रग में घुस गई है, तो फिर देर किस बात की? या खुदा, इसे अभी नेस्तनाबूद कर डाल, इसका गला घोट कर इसे अभी मार डाल। अगर ऐसा ही है तो है आसमान तेरा रंग अभी तक नीला क्यों है? है सूरज, तू अभी तक आसमान के ऊपर क्यों है? बेहया, नीचे उतर आ और एक भारी तूफान में चूर चूर हो जा। हे भूचाल, तू घमंड कर इस जमी की छाती फाड़ कर इसके टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दे। आग, तू भभक कर सारी दुनिया को खाक में मिला दे। और क्या ही अच्छा हो कि एक भारी आंधी आकर वही खाक खुदा के मुंह पे उड़ाए।